जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए कि बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, अगर मालूम पड़े शरीर में कोई रोग बहुत ज्यादा घेर रहा है, तकलीफ दे रहा है, बहुत कष्ट प्रदान कर रहा है, तो महाराज उसके लिए भी वर्णन किया गया बेलपत्री के सात पत्ते बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर उस पर सात बार माता कात्यायनी और शिव का नाम लेकर हल्दी चढ़ा दी। वैसे तो स्कंद पुराण कहती है कि हल्दी की गांठ चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाते हैं? जम के बोलो, हल्दी की गांठ चढ़ाई जाती है। परंतु हल्दी की गांठ ना मिले तो हल्दी ही चढ़ा। सात टुकड़े या सात बार सात बेलपत्र पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे कात्यायनी माता का नाम और शंकर जी का नाम लेकर हल्दी चढ़ा दी जाए। उसी हल्दी को कुछ समय के बाद एक पात्र में जड़ा लिया जाए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही शिव का नाम लेकर छोड़ दिया जाए, कात्यायनी और शंकर का, महेश का, भगवान शिव का नाम लेकर आकर उस हल्दी को जिस भोजन को आप प्रयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं या कोई सामग्री ग्रहण कर रहे हैं, उसमें मात्र तिल तिल उस हल्दी का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।